हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2016, ये देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। नीट 2016 जब हुआ था तो इसमें दो एंट्रेंस एग्जाम हुए, फेज फर्स्ट हुआ, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, पेपर आउट हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया फेज वन, फिर फेज टू हुआ। तो ये क्वेश्चन पेपर फेज वन कंप्लीट हो गया था तब फेज टू हुआ था कैंसिल होने के बाद। तो हम लोग जो ये क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं ये फेज वन का देखने वाले हैं। ये देखिए एग्जाम फर्स्ट फेज वन, और इसमें 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये जान लीजिए। और हम लोग जब ये नीट का पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2001 से लेके, ये देखिए 2001 से लेके 2015 तक तो डिस्कस कर ही चुके हैं, और 2021 का भी वीडियो पड़ा हुआ है बायोलॉजी का। और इस वीडियो में हम लोग 2016 फेज वन का देखेंगे, तो 16, 17, 18 ये बाकी था ये भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, ये आपके लिए बेस्ट है कि एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है। तो अच्छे से पढ़िए और आप अपने आप को देखिए कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि नहीं। और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नीट का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, तो मेरे चैनल पे आप एक बार ज़रूर विजिट करें। चैनल का नेम क्या है? सीट इन नीट चैनल है। अब चैनल पे काफ़ी वीडियो भी पड़ी हुई है 2021 की, और वो सभी वीडियो आप लोग ज़रूर रिवाइज करें। फर्स्ट पे तो यही करना है कि वीडियो टोटल प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं टोटल रिवाइज करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाई, मानो इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन लिख लीजिए, ऐसे देख लिख लीजिए, इंसुलिन लिख लीजिए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। पैंक्रियाज के कौन से सेल से सिक्रिट होता है? पैंक्रियाज जो होती है, ये पैंक्रियाज हो गई, पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स होती है और बीटा सेल्स होती है। तो दोनों सेल्स होती हैं, तो बीटा से क्या सिक्रिट होता है? ग्लूकागन सिक्रिट होता है, और अल्फा से क्या सिक्रिट होता है? इंसुलिन सिक्रिट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स से क्या सिक्रिट होता है? इंसुलिन, और पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से क्या सिक्रिट होता है? तो ग्लूकागन, जो कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, ग्लूकागन, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, GLUCAGON, ग्लूकागन, INSULIN, इंसुलिन। इंसुलिन में एक अल्फा चैन पाई जाती है, एक बीटा चैन पाई जाती है। अल्फा चैन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चैन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड पाया जा रहा है वही पूछ रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड इसमें डाइसल्फाइड बांड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड लगाएंगे, एकदम एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, दी कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है? जो कच्चा नारियल कोकोनट होता है उसका वाटर आप लोग भी पिए होंगे, नहीं पिए होंगे तो आप पी सकते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो जो कोकोनट होता है उसके अंदर वाटर होता है, अगर आप इसके सिप लेंगे थोड़ा थोड़ा, ये कोकोनट वाटर तो देखेंगे भारी भी होता है और बड़ा भी होता है, और वाटर लगभग 100 से 150 ml ही इसमें सिर्फ वाटर होगा, जो लिक्विड होता है कोकोनट लिक्विड अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूण पोष होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये भी 48 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। अब ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है, प्लाज्मिड का फीचर कौन नहीं है? तो प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर ही होता है, वेक्टर। अब प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एकदम अच्छा सही चीज़ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसफरेबल होता है, सही चीज़ है। वेक्टर क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज़ को ले जाता है, मान लीजिए किसी बीमारी को ले जाता है, तो ये सही है। किसी चीज़ को इंसेक्ट करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं सही करने के लिए, ये भी सही है। अब ये सी ऑप्शन देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, गलत है, और गलत पूछ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगाइए, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नहीं, तो प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है,
आई से लिए हैं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, मतलब रिप्लिकेशन में किसी पे डिपेंड नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, तो ये ऑप्शन फोर्थ सही था, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि गलत था। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल। अब ये क्वेश्चन क्या था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा था, इसमें ब्लू होल भी काफ़ी स्टूडेंट उस समय लगाए थे 2016 में, लेकिन क्या है इसमें यहीं से क्वेश्चन ये पकड़ना है, व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है, तो वो है नदी का डॉल्फिन जो होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप लगाइए रिवर डॉल्फिन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द एवीना कर्वेचर इज यूज फॉर बायोप्सी बायोसी, ये देखिए एवीना कर्वेचर क्या होता है, एवीना कर्वेचर एक प्रकार का टेस्ट होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है। अब एवीना कर्वेचर क्यों किया जाता है, एवीना कर्वेचर जो टेस्ट किया जाता है ये एक प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन होता है, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन को मेजर करने के लिए मापने के लिए किया जाता है, ये प्लांट हार्मोन होता है, तो इसी को मापने के लिए ये क्या किया जाता है, एवीना कर्वेचर किया जाता है। अब एवीना कर्वेचर किया जाता है प्लांट हार्मोन के मापने में कौन सा, इंडोल थ्री एस्टिक एसिड IAA, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री आप करेक्ट लगाइएगा। इसका नाम क्या है, IAA का पूरा नाम आप लोग लिख सकते हैं, INDOLE इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ACETIC एसिटिक ACID इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 51 नंबर देखते हैं, ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बींग ड्राइवन टू एक्सटिंक्ट। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये जब पूछा गया था तो गलत भी काफ़ी लोग किए थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जंतुओं और पादपों के विलुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है, जो पृथ्वी पर से मनुष्य भी गायब हो रहे हैं, एनिमल्स भी और प्लांट भी, एनिमल जानवर प्लांट मनुष्य नहीं, एनिमल्स देखिए एनिमल्स एंड प्लांट जानवर और प्लांट पौधे जो हैं ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, क्यों विलुप्त हो रहे हैं, किसका मेन उद्देश्य मतलब कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो एलियन स्पीसीज का आना धरती पे, हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन की वजह से, या फिर को एक्सटिंक्शन की वजह से, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, अतिदोहन की वजह से, सहसम्मत की वजह से, आवास हानि और खंडन की वजह से, या विदेशी जात की चढ़ाई के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है, एनिमल और प्लांट के विलुप्त होने का कारण सबसे अधिक क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 12th NCERT में जब आप पढ़ेंगे तो एकदम एग्जैक्ट, आप इकोलॉजी में जाइए ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़िए, उसमें एकदम एग्जैक्ट ये लाइन लिखी भी है, तो NCERT 100% फॉलो करिए, अगर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, या नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी हो, नीट तो 100% NCERT पूछती ही है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे नंबर आइए, 52 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा ये है ना कि आप ये क्वेश्चन मिलान आपको पूछना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब नीट में, तो 6-7 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं, और सरल भी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव, अब कंट्रासेप्टिव के रिस्पेक्ट में देखना है, कंट्रासेप्टिव क्या होती है, जैसे जो महिला प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती वो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, इंजेक्शन भी आता है, पिल्स भी आता है, अब इंजेक्शन कौन फॉर्म में आते हैं, अंतरा एक आती है, ANTRA अंतरा आती है, इंजेक्शन आती है, और पिल्स के रूप में सहेली आती है, अलग अलग पिल्स भी आती हैं, तो ये चीज़ है कंट्रासेप्टिव। अब निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम किस गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं है, तो अब क्या चीज़ है, ये देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, काफ़ी डिवाइस भी आती हैं जो इंसर्ट मतलब अंदर लगा के इंजेक्ट करके क्या स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइजेशन को क्या करती हैं, स्टॉप कर देती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये भी यूज किया जाता है,
इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खा लेती हैं इंट्रायूटराइन डिवाइस और सप्रेस कर देती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को स्पर्म कर देती हैं, जिससे वो वजाइना से और यूट्रस में वो जो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी, तो फिर नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन, स्पर्म पहुँच ही नहीं पाता है, ये चीज़ हो गया। और एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एंड मोटिलिटी को ये क्या करती हैं, सप्रेस कर देती हैं, रोक देती हैं। तो एकदम एग्जैक्ट सही है, तो ये तो सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है ना ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। कुछ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव भी होती हैं, जैसे पिल्स के फॉर्म में जो लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में जो लेते हैं, तो वो कुछ हार्मोन होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं, रिटार्ड कर देती हैं एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, और क्या करती हैं, ओव्यूलेशन, जो ओवरी से ओव्यूल का क्या होता है निकलती हैं, तो ओव्यूलेशन को भी, यह ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट, रोक देती हैं हार्मोन। तो ये भी सही है एकदम एग्जैक्ट। ये देखिए वेसेक्टोमी, सी ऑप्शन वेसेक्टोमी, जो ये वेसेक्टोमी किसमें किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी एक किया जाता है जिसमें क्या फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ये ट्यूबेक्टोमी होती है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी मेल्स में किया जाता है। अब मेल्स में जो वास डिफरेंस होते हैं उसको ऐसे कट करके फिर यहाँ पे बांध देते हैं, फिर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा ही, लेकिन ये आगे नहीं जा पाता, यहीं से रुक जाता है। तो इसमें करा प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, वेसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करती, सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने में रोकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन ही सही है और गलत पूछ भी रहा है। और बैरियर मेथड क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है फोर्थ, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही है क्योंकि नॉट पूछ रहा है और यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये भी खूब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन सब पूछे ही गए हैं और पूछे जाने के चांस भी रहते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। इन ये टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व फोन डाईहाइब्रिड फ्लाइज, जो फ्लीज होती हैं, मक्खी होती हैं, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग बियर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग द इंडिक्यूट। परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 देशंकर मक्खियां शामिल थीं, पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई, इसमें संकेत मिलते हैं कि, तो अब संकेत क्या मिलते हैं ये देखना है। इसमें संकेत ये मिलते हैं कि दी टू जीन्स आर लिंक्ड एट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है। तो ये देखिए, ये टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है, या फैट हो या लिपिड हो, दोनों एक ही है। अब यह फैट एक लिपिड किसका बना होता है, तो 1 glycerol + 3 fatty acid, ये देखिए यही चीज़ का एक फैट एंड लिपिड बना होता है, एक ग्लिसराल होता है और 3 fatty acid होते हैं, फैटी एसिड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, जो फैट मॉलिक्यूल होता है 1 glycerol and 3 fatty acid से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है और ये आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा आपका। जैसे को देखिए डोमिनेंस दिया गया है, को डोमिनेंस मीन्स साथ साथ दो रहेंगे, प्लियोट्रॉपी मीन्स आप प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनी, यहीं पे आप एकदम ये एग्जैक्ट एकदम सही करिए क्वेश्चन। अगर आपको ये पॉलीजेनी एंड प्लियोट्रॉपी पता होगा ना, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। जैसे देखिए, आप पहले ये देखिए प्लियोट्रॉपी का मीन्स क्या होता है, प्लियोट्रॉपी का मीन्स जो होता है ये होता है सिंगल जीन, प्लियोट्रॉपी इन्फ्लुएंस बाय मेनी करेक्टर। अब इसमें आपको मेनी करेक्टर पकड़ना है, प्लियोट्रॉपी, ट्रॉपी में मेनी करेक्टर, एक से अधिक करेक्टर होंगे, और पॉलीजेनी, पॉली मीन्स एक से अधिक होता है, और जेनिक मीन्स जीन, तो एक से अधिक जीन किसमें हैं, ये देखिए इन ये हेट्रोजाइगस आर्मी बोथ एलील एक्सप्रेस डेमसेल फुल्ली। अब ये देखिए मेनी जीन्स, यहाँ देखिए मेनी जीन्स लिखा है, तो मेनी जीन्स इसको यहाँ, इसको पॉलीजेनिक वाले को इसमें यहाँ मिलाइए और पॉलीट्रॉपी में इसको यहाँ मिलाइए। जैसे देखिए अभी एकदम पॉलीजेनिक डी किससे मिलेगा, फर्स्ट से,
और सी किससे मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा। और डोमिनेंस किससे मिलेगा, डोमिनेंस जो मिलेगा वो सेकंड से। इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको डोमिनेंट कहते हैं। और कोडोमिनेंस साथ साथ रहेंगे। इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स, दो एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट से मिलाइए, ए सेकंड से मिलेगा, बी थर्ड से, सी फोर्थ से और डी फर्स्ट से। एकदम अच्छे से मैंने बता दिया हूँ, अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक बार इसको पीछे करके देखें। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है। तो देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो ध्यान से देखिए, मैं बता भी रहा हूँ। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन, इंसेक्ट जो होता है वो कंज्यूम करता है पॉलन, पॉलन को, पॉलन भाई इंसेक्ट को कुछ ना कुछ खाएगा, पॉलन को खाए या नेक्टर खाए, ये दोनों भोजन ही होते हैं, पॉलन नेक्टर को खा लेता है। विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन किए कोई इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो वो जाके क्या करता है, नेक्टर और पॉलन को खा लेता है, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करता। तो उसी को तो कहते हैं नेक्टर रोबर्स, मतलब नेक्टर का चोर, नेक्टर चोर्स कहते हैं। तो सही चीज़ है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है। बी देखिए, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाई केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंट्रैक्टिंग द दोज ऑफ पिस्टिल। सही चीज़ एकदम है, पोलन जर्मिनेशन जो होता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो होता है, पोलन पहले क्या होगा, पोलन जर्मिनेट करेगा फिर पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब से गैमेट जाके किस में जाता है, ओवल्स में जाता है, फिर वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी सही है, केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं उसको रोक भी देते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो सी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताए गए हैं। तो ये भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं मेनी स्पीसीज में जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे। जैसे ये मान लीजिए एक प्लांट है, इसमें क्या है, स्टिग्मा है, और ये एक एंथर है और ये स्टिग्मा है। अब यहाँ से गया पोलन, अब यहाँ से क्या करें, यहाँ पे पोलन जर्मिनेट करेगा, पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से गैमेट निकलेगा, गैमेट ओवल की तरफ जाएगा। तो ये क्रिया देख लीजिए, क्वेश्चन ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, पोलन ग्रेन साफ मेनी स्पीसीज, मेनी स्पीसीज में पोलन ग्रेन जो होती है ये जर्मिनेट करती है एंड द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के स्टिग्मा पे क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी, बट ओनली वन पोलन, लेकिन एक पोलन ट्यूब, एक ही पोलन ट्यूब क्या करती है, सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, और स्टाइल में एक पोलन ग्रेन क्या करेगी, स्पीसीज ग्रो करेगी। केवल एक कह रहा कि पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एक से ज़्यादा भी पोलन ट्यूब बनती है, ये देख लीजिए लिखा है, एक से ज़्यादा भी पोलन ट्यूब बनती है स्टाइल में, जैसे एग्जांपल लिखा, एक बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा था कि ऐसे, मतलब चार ऑप्शन दिया था, उसमें बताना था कि जिसमें एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बनती है, तो वो होता ओनियन मीन्स प्याज और काटन कपास, ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अब पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना क्या है, इससे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसको कहते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं एक क्लास होता है इंसेक्टा क्लास होता है, INSECTA इंसेक्टा क्लास। और फाइलम की अगर बात करेंगे तो कौन सा फाइलम होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम ARTHO आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और इसका नाम होता है काकरोच, COCKROACH काकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का ना काकरोच का साइंटिफिक नेम है जिसको बोलते हैं। अब ये बताइए, नॉट प्रेजेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, कौन सा फीचर है इसमें चारों से जिसमें काकरोच में एब्सेंट होता है, मतलब नॉट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इनडिटर्मिनेट इन रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिवार्यित और आर्य विदलन, अब ये क्या चीज़ है,
अब इसमें तो ये भी देखना है ना, रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं, रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज का मीन्स होता है, मान लीजिए कोई चीज़ एक है, एक ऑर्गेनिज्म है कुछ भी है, और यहाँ पे एक सेंटर है इसका, इसका सेंटर ये है। अब सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये पूरी एक बॉडी है और इसका सेंट्रल एक्सिस है। अब CENTRAL सेंट्रल AXIS ये सेंट्रल एक्सिस है। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से कोई भी लाइन अगर पास हो रही है तो उसको दो भागों में डिवाइड करेगी। देखिए, चाहे इधर से पास करिए, चाहे इधर से पास करिए, चाहे इधर से करिए, चाहे इधर से, सेंटर से पास होनी चाहिए कोई भी लाइन, तो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, उसी को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये भी जान लीजिए कि रेडियल सिमेट्री एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी गई है कि रेडियल सिमेट्री ओनली पाया जाता है किस में, साइलेंट रेटा में पाया जाता है। देखिए, मैं लिखा भी हूँ, C²E लिखा हूँ, साइलेंट रेटा टीनोफोरा सी, ऐसे देखिए, ये देखिए लिखा गया है साइलेंट रेटा टीनोफोरा और ई से इकाइनोडर्मेटा, तीन फाइलम होते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री ओनली पाए जाते हैं। आर्थोपोडा में सेलेन रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है। और अगर काकरोच की बात करेंगे तो उसमें इग्जो स्केल्टन कंपोज्ड होता है ईएन ग्लूकोसा माइन, जो इग्जो स्केल्टन काकरोच के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसको इग्जो स्केल्टन काइटिन की बनी होती है, CHITIN काइटिन की बनी होती है। और ये जैसे देखिए, इग्जो स्केल्टन काइटिन के कंपोजिशन में यन स्टील ग्लूकोसा माइन मिलता है, तो ये भी सही बात है। और थर्ड ऑप्शन, मेटामरिकली सेगमेंटेशन, आर्थोपोडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। जितने भी आर्थोपोडा में होते हैं सभी में मेटामरिकली सेगमेंटेड पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, साइजोसिलोम आइज बॉडी कैविटी, साइजोसिलिक बॉडी पाई जाती है एनीलिडा से लेके आर्थोपोडा में, सभी में साइजोसिलोमिक बॉडी कैविटी पाई जाती है। और अगर इंट्रोसिलोम पूछा है किसमें प्रेजेंट होता है, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में, तीन फाइलम ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट करेक्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन, वाटर सोल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल, प्लांट के सेल में वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल ओनली प्लांट में ही पाया जाता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। लोअर एनिमल की बात छोड़ दीजिए, प्लांट में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एक पाया जाता है जो कि वैक्यूल में पाया जाएगा, और ऐसे एक वैक्यूल पाई जाती है, इसमें वाटर मैक्सिमम होते हैं, और वैक्यूल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन पाई जाती है कि नहीं, और वो मेम्ब्रेन पाई जाती है तो उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, तो उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, TONO टोनो PLAST टोनोप्लास्ट नाम होता है। तो ये भी आप जान गए कि वैक्यूल्स में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो ऊपर कवरिंग होती है, वो उसका टोनोप्लास्ट नाम है, और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो एंथोसाइनिन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ये भी एक बार पूछा गया था कि वाटर सॉल्युबल एंथोसाइनिन पिगमेंट होती है कि नहीं, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट वैक्यूल्स में पाई जाती है और ये वाटर सॉल्युबल भी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप लगाइए और आगे बढ़िए। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऐसे देखिए नहीं, लाइक करिए ज़रूर 100%, और शेयर करिए वीडियो को, स्टेटस लगाइए, फिर व्हाट्सएप पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन शेयर ज़रूर करें वीडियो को भाई, क्योंकि तेज़ी से ग्रो कराएं चैनल को। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर इसका ऐसा लग रहा है ना कि देखिए कितना क्वेश्चन लंबा है, लेकिन लंबा जितना ही क्वेश्चन रहता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने में आसानी होती है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में वो थोड़ा सा पॉइंट दे देता है जिससे हम लोग ऑप्शन तुरंत एकदम ताड़ ले जाते हैं, मतलब सही कर ले जाते हैं। तो वही चीज़ है ना कि क्वेश्चन का जितना लैंग्वेज लिखा रहता है, हम डर जाते हैं, हम लोग देख के, हम भी डरते थे, आप भी डरते होंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन जब बड़ा रहता ना, तो कुछ उसमें ज़्यादातर फालतू चीज़ें लिखी रहती हैं, कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन को डिफाइन करता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ये इस क्वेश्चन में देखिए, ये सेल एट टेलोफेज, एक सेल है एट टेलोफेज में, स्टेज में है, ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट, एक ऑब्जर्व स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो ऑब्जर्व करता है, इन प्लांट ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड, ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल्स एट टेलोफेज स्टेज। ये सब ऐसे कहानी लिखी गई है।
देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, प्लेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है सेल में। कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द डिराइविंग सेल्स, दिस वुड रिजल्ट। अब यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे। खेत के लाए गए एक पादप कोशिका में एक विद्यार्थी द्वारा अंत्यावस्थी देखी गई। वह अपने शिक्षक से कहता है कि यह एक कोशिका अंत्यावस्था पर अन्य कोशिकाओं से भिन्न है, इसमें कोशिका प्लेट नहीं बनती और इस कारण इस कोशिका में अन्य विभाजन वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक गुणसूत्र हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा अब बताइए। 59 का ऑप्शन नंबर आप करेक्ट करिए। तो 59 का अगर लास्ट आप कहना आप क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है, तो 59 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए फर्स्ट ऑप्शन पॉलीप्लॉयडी, एन टू एन थ्री एन फोर एन, तो सेल प्लेट भी नहीं बन रही है, तो 2n-2 n-1 और n+1 2n+1 2n, ये देखिए लिखा है डायरेक्ट, ये देख सकते हैं 2n-2 n+1 n+2 2n+1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आप 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है थोड़ा अधिक लिखा गया है, लेकिन थोड़े से पार्ट में क्वेश्चन को ऑप्शन को पकड़ना है। जैसे देखिए पढ़िए, ये प्लांट इन एवर गार्डन अवॉइड फोटो रिस्पायरेटरी लॉसेस, हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का हायर रेट है एट हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस की रेट हाई कौन होता है, C4 प्लांट में होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचता है, उसकी जल उपयोग क्षमता उन्नत है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है। बस यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और C4 प्लांट लगाएंगे, तो जस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हायर वर्टिब्रेट में दी इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। जैसे शरीर में मान लीजिए मनुष्य के, हम ही लोग के शरीर में ऐसी चीज़ जेनेटिक्स एबनॉर्मेलिटी चलती रहती हैं कि कुछ सेल्स होती हैं, ऐसे नहीं है कि जो हम लोग के भक्षण सेल्स होती हैं, कुछ शरीर में अटैक सेल्स होती हैं जो अलग रोग जो ऐसे बाहर से आती हैं तो उसको रोकने की क्षमता होती है, तो अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो एक दूसरे के सेल्स को खाने लगती हैं, मारने लगती हैं, वो पहचान नहीं पाती कि मेरे बॉडी का सेल मेरे बॉडी की ही सेल है, तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो देखिए डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ को नहीं पहचान पाती, इफ द प्रॉपर्टी लॉस, ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है ड्यू टू किसके कारण, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो या मान लीजिए कोई जेनेटिक्स डिजीज हो या फिर कोई अननोन रीजन हो, एंड इज अटैक सेल्फ सेल और खुद के सेल्स को अटैक करने लगती हैं, देन इट इज लीड टू, तो कौन सी बीमारी काज हो जाती है, उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं, ऑटो इम्यून, तो ऑटो इम्यून डिजीज डायरेक्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग यहीं पे ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जांपल भी लिख लीजिए, एक तो यहाँ पे लिखा गया हाशिमोटो डिजीज HASHIMOTO हाशिमोटो DISEASE हाशिमोटो डिजीज एक लिखा है, एक यहीं पे और लिख लीजिए माइस्थीमिया ग्रेविस लिख लीजिए MYSTHEMIA माइस्थीमिया GRABIS माइस्थीमिया ग्रेविस लिख लीजिए, और एक एग्जांपल और लिख लीजिए जो NCERT में दिया गया है, NCERT में दिया गया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस RHEUMATOID रेमेटॉइड अर्थराइटिस ARTHRITIS ये लिख लीजिए अर्थराइटिस, ये आप तीन एग्जांपल रट लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज के हैं। अगर ये तीनों बीमारी मान लीजिए माइस्थीमिया ग्रेविस हो गया तो आप बॉडी की खुद को सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, या रेमेटॉइड अर्थराइटिस या हाशिमोटो डिजीज, ये तीन डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। एग्जाम्पल रटे रहिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। अब ये देखिए इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन एक साइंटिस्ट थे तो इन्होंने एक इफेक्ट खोजा था, उसमें टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, उसमें दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य कर रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, सही कथन चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, साल्विया दिया गया है, जिंगो एंड पाइनस आल आर जिम्नोस्पर्म, एकदम राइट है, एकदम ये यही साल्विया गलत कर दिया ना। साल्विया जो होता है ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म का मेम्बर नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिकोइया, सिकोइया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, एकदम सही है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर सिकोइया है जो टालेस्ट ट्री होता है, सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट पूछ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। अब माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होता है, तो ये चीज़ क्रिया कह रहा है इसमें से कौन सा माइटोसिस का फीचर नहीं है। तो माइटोसिस में जैसे प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब आती हैं, तो इसमें डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस, तो इसमें तो दोनों में होता है, तो माइटोसिस में होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं सही है। क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम का मूवमेंट भी होता है माइटोसिस में। अब सिनैप्सिस, ये देखिए सिनैप्सिस, सिनैप्सिस क्या है, सिनैप्सिस ओनली मियोसिस में होता है, प्रोफेज में, प्रोफेज के फर्स्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ये सब चलती हैं वहाँ पे क्रिया। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अगर आप ये देखिए ओनली मियोसिस में होता है, ड्यू टू हम लोग मम्मी पापा से डिफरेंस क्यों होती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में, तो उसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सिनैप्सिस जो होता है ओनली मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होती है ये क्रिया, ना कि माइटोसिस में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये माइटोसिस में नहीं होता, और क्वेश्चन यही पूछ भी रहा था। स्पाइनल फाइबर तो दोनों में बनते हैं, मियोसिस और माइटोसिस दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये हार्ट होता है ह्यूमन का, और ये आपका क्या होता है, राइट आर्ट्रिया होती है, और ये राइट वेंट्रिकल होता है, और यहाँ पे लंग्स होती है। अब यहाँ से पंप होता है, ये हार्ट से पंप होगा तो लंग्स में जाएगा ब्लड। अब ये पल्मोनरी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी ही कहती है। अब पल्मोनरी वेन लंग्स लेके आएगी, हार्ट में आएगी, तो जब यहाँ से हार्ट पंप करता है तो मैक्सिमम प्रेशर तो पल्मोनरी आर्टरी में ही होगा, पल्मोनरी वेन की अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन देखिए, मोर देन इन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, मोर देन दैट, पल्मोनरी वेन की अपेक्षा पल्मोनरी आर्टरी में अधिक प्रेशर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, फुफ्फुस सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है, तो पल्मोनरी वेन की पल्मोनरी वेन में कम होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस ड्यू टू द विंग्स ऑफ बर्ड। होमोलोगस ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एनालोगस होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब होता है उसके जो फंक्शन जो होंगे, होमोलोगस का मीन्स होता है फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ओरिजिन जहाँ से वो चीज़ बनती है वो सेम होगी, एक जगह से जो ओरिजिन होगी सेम होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। तो अब देखिए, विंग ऑफ बर्ड, बर्ड की जो विंग होती है, जो पंख होते हैं, वो किस लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं, तो फंक्शन डिफरेंट। अब फ्लिपर्स ऑफ होयल, होयल की जो फ्लिपर्स होती है वो उड़ने के लिए थोड़ी होता है, तैरने के लिए होता है, तो फंक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन जो होती है दोनों फोर लिम्ब की मॉडिफिकेशन होता है, फोर लिम्ब जो होती हैं उसी का मॉडिफिकेशन से बर्ड के विंग बनते हैं और होयल के फ्लिपर्स बनते हैं, तो ओरिजिन तो सेम है, फोर लिम्ब एक ही जगह से मॉडिफाई होती है, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एकदम सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर ऑर्गेनिज्म यहाँ बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से तो पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीड की बात कर रहा है, सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्लावरिंग प्लांट में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट सही लगाइए, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, सीड नहीं ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी एक वीडियो कराया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th एनसीईआरटी का, पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल रोटी फर्स्ट बताया था, एक पक्षी का नाम भी बताया था, टर्की बताया था, तो काफ़ी चीज़ बताया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिए, नेम द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। धूम्रपान करने के कारण प्रधानता उत्पन्न होने वाली दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए। तो अगर कोई भी पर्सन हो वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर किसके सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसको कौन सी बीमारी होगी, तो उसको इम्फाइस्मा होगा, क्योंकि वो जब सिगरेट लंबे समय से पीता जाएगा तो उसमें वो कार्बन लंग्स में जो होता है कार्बन इकट्ठा होता रहता है, तो कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाती तो टार बढ़ जाता है। दिखाते भी हैं मूवी में कि लार टार बढ़ जा रहा था, टार बढ़ता चला जाएगा तो उसकी सरफेस एरिया कम हो जाती है, तो वो क्या करता है रिस्पायर कर नहीं पाता, डिफ्यूजन ऑक्सीजन का नहीं हो पाता लंग्स के थ्रू, जिससे ब्लड में ये बीमारी हो जाती है, लंग्स में इम्फाइस्मा हो जाता है, कार्बन जमा होने लगता है। तो ये देखिए अस्थमा किसके वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है, ज़्यादातर डस्ट जब इनहेल करते हैं। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एसिड की वजह से, रिस्पायरेटरी एल्कोसिस एल्कोहल की वजह से, लेकिन इम्फाइस्मा जो होता है ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, स्पाइनल फाइबर अटैच ऑन टू क्रोमोसोम, ये हो गया कनाइटोफोर हो गया, ये क्रोमोसोम आपका हो गया। अब क्रोमोसोम ये कनाइटोफोर से स्पाइनल फाइबर, जो स्पाइनल फाइबर है कनाइटोकोर से ही जुड़े होते हैं, प्रोटीनियस पार्ट होता है कनाइटोफोर कनाइटोकोर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि स्पाइनल फाइबर अटैच अंतर्क रूपी तंतु लगते हैं, तो कनाइटोकोर से क्रोमोसोम के कनाइटोकोर से जुड़े होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 17 नंबर, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमिनोसेंटेसिस, एमिनोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, एमिनोसेंटेसिस जांच किया जाता है कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है बच्चों में। ये क्या किया जाता है, फीटस जो होता है फीटस से थोड़ा सा फ्लूड वहाँ से निकाला जाता है यूटरस के पार्ट से, और देखा जाता है कि कोई बच्चों में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसी की वजह से किया जाता है एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये देखिए, ये देख लिए एमनियोसेंटेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज यूज प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिजीज ही है, ये भी इसको पता करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, अब क्लेफ्ट प्लेट के फॉर डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस नहीं, क्लेफ्ट के प्लेट को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो सोनोग्राफी कराइए, यूएसजी कराइए, ये चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज यूजुअली डन व्हेन वुमन इज बिटवीन 14-16 वीक्स प्रेग्नेंट, मतलब क्या हो जाएगा, 14-15 मतलब क्या हो जाएगा, 4-16 चार मंथ तक जब हो जाएगा तब आप करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्लेफ्ट प्लेट के जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं कराया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए आप, देखिए स्टेम मॉडिफाइड, यहीं से क्वेश्चन पकड़ना, स्टेम पहले तो स्टेम का मॉडिफाइड है इनटू फ्लैट, ये कह रहा फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है। अगर स्टेम मॉडिफाइड हो जाए फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में और लीव्स फंक्शन ऑफ, और वो क्या किसका फंक्शन करने लगे, जैसे मान लीजिए प्लांट है, अब ये प्लांट में लीफ है तो इसका काम क्या है, इसका काम फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करेगी, सूर्य से प्रकाश लेगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, फिर पूरे प्लांट को सुक्रोज के रूप में ट्रांसफ़र करेगा, आप सुक्रोज लेके ये अपने आप को प्लांट ग्रो करता रहेगा, तो यही काम होता है प्लांट का। अब क्या होता है, कोई प्लांट है, अब मान लीजिए कि इसमें ऐसे ऐसे स्टेम लगे हैं, लीफ है ही नहीं, अब ये स्टेम क्या होता है मॉडिफाई हो जाए फ्लैट ग्रीन में, ऐसे फ्लैट हो जाए, ऐसे फ्लैट हो जाए, और ये क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे, ग्लूकोज बनाने लगे, तो लीव्स का काम करने लगा ना, तो यही ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेम मॉडिफाई हो जाए फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलोक्लैड। अब कुछ फिलोक्लैड का एग्जांपल भी होते हैं कुछ प्लांट, जैसे फिलोक्लैड में ओपन सी आती है, लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि फिलोक्लैड का आप एग्जांपल बताइए, तो ओपन सी आ, रस्कस, आर यू एस सी यू एस, रस्कस, और
कोकोलोबा सी ओ सी ओ एल ओ बी ए कोकोलोबा को एक नाम से और जानते हैं, मेहलन बिकिया के नाम से जानते हैं, एम ई एल ई एन बी डबल ई के आई ए मेहलन बिकिया भी कहते हैं किसको, कोकोलोबा प्लांट को। और इसमें फिलोक्लैड में कितने इंटरनोड होते हैं, मेनी इंटरनोड पाए जाते हैं, एक से अधिक इंटरनोड। तो ये फिलोक्लैड का एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, अब आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लोरोप्लास्ट दी हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट में ये सभी स्टेप ये सभी चीज़ पाए जाते हैं, ल्यूमेन थैलिकॉइड पाया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाएगा, ये देखिए एंटीना कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा और स्ट्रोमा पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, तो ल्यूमेन ऑफ थैलिकॉइड, थैलिकॉइड के ल्यूमेंस में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नामनक्लेचर नामनक्लेचर गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, कुछ नामनक्लेचर जो अगर मान लीजिए किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखना है तो कुछ आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नामनक्लेचर, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा निर्धारित होती है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन नाम पद्धति के नियमों के विरुद्ध है, कंट्रेरी मीन्स उसको फॉलो नहीं करता। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा है कि जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर आप नामनक्लेचर कर रहे हैं, नाम किसी यूनिवर्सल रूल क्या होता है, द फर्स्ट वर्ड ऑन बायोलॉजिकल नेम आर रिप्रेजेंट द जीनस, जैसे मैंगीफेरा इंडिका होता है ना, मैंगो का क्या नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, एम ए एन जी आई ए मैंगीफेरा, एफ ई आर ए मैंगीफेरा इंडिका, आई एन डी आई सी ए आई एन डी आई सी ए इंडिका होता है। तो ये क्या होता है, ये जो आई होता है ना स्पीसीज, ये पूरा स्पीसीज होता है, ये पूरा जीनस होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल से लिखा जाता है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से। तो ये चीज़ हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सही बात है, एंड द सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज, एकदम अच्छी बात है। तो ये तो रूल को कंट्री नहीं कर रहा है, मतलब गलत साबित नहीं कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा कौन सा गलत साबित करता है। सेकेंड देखिए, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटालियाइज, जो नाम लिखा जाता है ना ये लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, थोड़ा बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, इटालियाइज थोड़ा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, तो ये भी बात सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड, हैंड के थ्रू लिखोगे एंड नेम आर टू बी अंडरलाइन और उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी मतलब सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, नहीं ओनली लैटिन या इटालाइज में लिख सकते हो, इटैलिक में, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, कह रहा है किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड, एकदम मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में जब जाओगे तो प्रोफेज फर्स्ट में पांच स्टेज चलती है, लेप्टोटीन चलती है, जाइगोटीन चलती है और डिप्लोटीन चलती है। लेप्टोटीन लता जरा पानी, लेप्टोटीन फर्स्ट से होती है, लेप्टोटीन के बाद लता जरा पानी दे दो, ये होता है दे दो, तो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, तो ये चीज़ चार होती है, तो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये चीज़ जान लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप करेक्ट लगाइएगा। और अगर आपको ये भी जानना है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, तो ये बनता है जाइगोटीन में, क्या बनता है, एस वाई एन ए पी टी ओ सिनेप्टो एन ई एम ए एल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा कि किस में बनता है, किस पेज में, तो आप लगाइएगा जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एटीन्यूटेड इंजेक्शन, एटीन्यूटेड का मतलब, एटीन्यूटेड क्या चीज़ होता है, एटीन्यूटेड मतलब होता है माइक्रो, ऐसे जैसे कोई वैक्सीन जब लगती है बच्चों में या किसी को भी लगती है तो वो माइक्रो आर्गनिज्म को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन माइक्रो आर्गनिज्म को जो इंजेक्ट किया जाता है ना वो इनएक्टिवेटेड होता है, एटीन्यूटेड फॉर्म में होता है। तो एटीन्यूटेड इंजेक्शन कंटेंस परफॉर्म एंटीबायोटिक फाइल जबकि पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेंस, प्रति आवेश टीकों में पुनर्निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें मुंह द्वारा दिलाया जाता है वो कैसे होते हैं, तो वो एटीन्यूटेड पैथोजेंस होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका किससे क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ये देखिए दी टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेंड फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जिसको कहते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो यूज होता था ना वो डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज होता था। टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होती है वही यूज किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेंड प्राप्त किया जाता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होती है उसी से प्राप्त किया जाता है और ये पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में यूज किया जाता है। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में तीन स्टेज होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ये भी पूछा जाता है कि पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में कौन कौन सी स्टेज आती है, तो डी आती है, डाई हमने बताया था, ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, डाई डी ए ई, और तीन स्टेज का नाम भी लिख सकते हैं डी ए ई। डी का क्या होता है, डी का इंग्लिश होता है डी नेचुरेशन, डी ई एन ए टी यू आर ए टी आई ओन, डी नेचुरेशन। और ए से एनिलिंग, ए डबल एन ई ए एल आई एन जी एनिलिंग होता है, और ई से एक्सटेंशन होता है, ई एक्स टी ई एन एस आई ओ एन एक्सटेंशन। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के केस में हमको डिस्क्राइब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन को, एकदम सॉल्व कराइए इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्टैंडर्ड पीटल ऑफ पैपलियोनेसी, पैपलियोनेसी फैमिली जब जाएंगे उसमें जिसमें पी मटर आता है इस कॉल्ड उसको बैगजिलम एस्टिवेशन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलेडोगाइनी इंकोगिंसिया, मिलेडोगाइनी इंकोगिंसिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलेडोगाइनी इंकोगिंसिया किसको इफेक्ट करता है, तो जो टोबैको प्लांट होता है उसके लीफ को नहीं इफेक्ट करता, ना ही स्टेम को, ना ही फ्लावर को, रूट को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के जो एकदम ऊपरी वाला पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इन्फेक्टेड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट में कौन से पार्ट को टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज किया जाता है, तो वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन की पावर इतनी अधिक होती है कि उनमें इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं होता है, तो इसी वजह से एपिकल मेरिस्टेम यूज किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड में। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो वैसे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। अब ये भी क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड है, अब ये वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये भी पूछा गया था कि वायरॉइड्स जो होता है किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट का नाम है टी ओ डाइनर डी आई एन ई आर, टी ओ डाइनर साहब ने 1971 में ये डिस्कवर किया क्या वायरॉइड्स। ये देखिए वायरॉइड्स से दिया गया है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं ये फ्री आरएनए होते हैं, आप लिख सकते हैं एफ आर डबल ई फ्री आरएनए होते हैं। फ्री आरएनए का मतलब इस पर कोई भी कैप्सिड नहीं पाई जाती, ये एकदम नंगा होते हैं, ऐसे इसको याद कर सकते हैं वायरॉइड्स क्या होता है, एकदम नंगा होता है, कोई कैप्सिड नहीं पाई जाती, और ये वायरस से छोटे भी होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं और ये मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका वायरस से छोटा, मतलब कम, आरएनए जो वायरॉइड्स में होता है लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, और इसमें क्या प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती, इस वायरस में प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती, तो वायरॉइड प्रोटीन कोट दैट इज़ फाउंड इन वायरस, वायरस में तो प्रोटीन कोट पाई जाती लेकिन वायरॉइड्स में नहीं पाई जाती,
ऑप्शन। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरॉइड्स क्या का इस एक एक मतलब क्या डिजीज काज करते हैं, किसमें? पोटैटो में, पोटैटो में, POTATO पोटैटो आलू में, पोटैटो में स्पाइनल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं। कौन सा? पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज, यस PINDLE स्पाइनल TUBER ट्यूबर डिजीज काज करते हैं कौन, ऐसे पूछा गया था कि पोटैटो स्पाइनल डिजीज कौन काज करता है, तो वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स इसमें देखिए स्मॉलर देन वायरसेस सही चीज़ है, लेकिन इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वायरॉइड्स के विषय में गलत है। तो ये तो सही है, वायरस से छोटे होते हैं, देन काज इन्फेक्शन और इन्फेक्शन काज करते हैं, ये भी सही है, जैसे अभी बताया पोटैटो में इन्फेक्शन काज करते हैं। दैट RNA इज हाई मालिकुलर वेट, नहीं ये ओनली RNA ही होते हैं लेकिन ये हायर मालिकुलर वेट नहीं, ये यहाँ पे लो लिख लीजिए, लो मालिकुलर वेट होते हैं, तो यहाँ पे हाई लिखा है इसलिए गलत है। दे लैक प्रोटीन कोट, सही चीज़ है, इसमें प्रोटीन कोट ऑप्शन टी होता है वायरॉइड्स में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कुछ क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 40-45 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 40-45 और कर लेंगे, 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग वही है कि वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें, सेल्फिश ना बने, वीडियो को लाइक करें और पढ़ाई करते रहें और शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम, तभी मज़ा आएगा और तभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम करा पाएंगे, क्योंकि अच्छे से अगर मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे से कराने का मन भी करता है। और अगर कोई भी इसमें समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखें, और जितनी भी वीडियो हैं आप लोग रिवाइज डेली करते रहें, और आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर उसमें ज्वाइन हों, क्योंकि न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो वीडियो को देखते नहीं थे उनको सबको रिप्लेस कर दिया गया, और न्यू स्टूडेंट इस ईयर के जुड़ेंगे तो और देखेंगे भी, तो उसमें रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की जाती है जब कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू की जा रही की गई हैं, और 5 बजे शाम को ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाती हैं या प्रीमियम लगाया जाता है, तो डेली शाम को 5 बजे आप लोग 5 PM शाम को 5 बजे डेली आप लोग वीडियो देखा करिए चैनल पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।